शस्त्रां दी। शाही खजाना 4 लाख तो वध रुपए का लुटिया घर लैके आए, पर जदों पता लगा ये सरकारी खजाना नहीं, सेठ प्रताप चंद का घर का निजी खजाना सी। सिखां दी दलेरी देखो, हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, वह आप वो खजाना वापस उनके घर मोड़न गए अपनी जान ते खेड के। आ सिद्धांत सामने रखियो, ये अज साडी कौम नूं सिद्धांत अपनाउणा चाहिए, अज साडे सिखां नूं सिद्धांत अपनाउणा चाहिए। बाबा फरीद जी ने इतों तक कहिंदे, फरीदा बार पर आया बैसना, साई मुझे ना दे, जे तू एवें रख सी जियो शरीरो। इस करके क्या धर्म की किरत करो, नाम जपो ते वंड के छको। बाबे ने ता तां क्या काल खाए कि च हथों दे, नानक रा पछाणे से। इसे कौम ने इस तरीके दे नाल अपनी कौम का इतिहास सिरजिया, सिखां ने इतिहास सिरजिया। साध संगत याद रखना, हर कौम के लिए उनका निशान जिहड़ा ना वह बड़ा प्यारा हुंदा है, ते साडी कौम का निशान साहब साडे लिए तो बहुत प्यारा है। ते निशान साहब मैं बेनती करा, अज निशान साहब की जिहड़ी वह कदर वह नहीं रह गई सिखां दे विच, अज असीं वह कदर नहीं करदे। साडी कौम के योध्या ने अपनियां जानां ते खेड के निशान साहब की कदर की, इज्जत की, जिन्हां दे विचों एक सिख का इतिहास साडियां अखां दे सामने आउंदा है, जिंदा नां है सरदार आलम सिंह, भाई आलम सिंह। इहदा इतिहास साढ़े सामने आउंदा है, मुगलां ने इहनूं कैद कर लिया, यह निशान लैके अगे चलता सी। निशाना वाली मिसल का मतलब ही यह सी बई उन्हें निशान फड़ के अगे हो के चलना हुंदा सी। पहला एक निशान साहब, फिर पांच पांच निशान कर दिते जांदे सी, पांच पांच निशान साहब भी जांदे रहे। प्रिंसीपल सतवीर सिंह होरां ने लिखिया, निशाना वाली मिसल भाई आलम सिंह नूं मुगलां ने फड़ लिया। मुगलां ने जदों भाई आलम सिंह नूं फड़िया ना, तो फड़ के कहिंदे ने भी तैनूं निशान बड़ा प्यारा, कहिंदा हाँ मैनूं निशान साहब बड़ा प्यारा। कहिण लगा, जे तूं हत्थां नाल निशान साहब फड़िया है, जे तेरे हाथ वढ दिए, तो गुरु का सिख कहिंदा मैं पैरां नाल फड़ लांगा, कहिंदा मैं पैरां नाल, कहिंदा जे तेरा पैर कट दिए, कहिंदा मैं अपने मूँह नाल फड़ लांगा। निशान साहब की बेद भी नहीं होण दिंदा। कहिंदा जे तेरी गर्दन ही ला दिए, सिर ला दिए, कहिंदा जिहड़े कलगियां वाले का निशान साहब वो आपे ही सांभ लेगा बाद च। साडी कौम का इतिहास गुरु प्यार वालियो, सिखां ने अपना किरदार 18वीं सदी दे विच इस तरीके दा निभाया। ते इस तो बाद मैं जिहड़ी पहला बेनती की, अज कौम दे कोल कोई उच्ची पदवी आ के समझौता कर लिया जाता, अज सिर नीवा कर दिता जाता कौम का, अज इस तरह के हुक्मनामे जारी कर दिते जाते हैं कि कौम का सिर नीवा हो रहा है, शर्मशार हो रही है कौम। मैं बेनती करा, इतिहास का पन्ना ध्यान नाल सोचिया जी, कौम का महान योधा सरदार बघेल सिंह, जदों दिल्ली के गुरुद्वारों की सेवा कराइए, दिल्ली के गुरुद्वारों की सेवा कराने तो बाद वापस आन लगे, तो बादशाह कहिंदा शाह आलम के मैनू मिल के जाओ। वो कहन लगा, असी तुहाडे कोल किद्दां मिलीए, सानू पता लगा तुसी हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दिंदे हो, असी किवें तुहाडे कोल आ जाइए। वो कहिंदा नहीं, जिद्दां तुहाडी इच्छा तुसी उसे तरीके नाल आओ। मैं बेनती करा, अज के डंबी इदां दे पैदा हो गए जिहड़े गुरु महाराज की हजूरी च बह के लोगों अपने पैरों के उत्ते हाथ लवाते पए ने, आशीर्वाद देंदे पए ने। लोड़ है जिन्हां तो बचण दी। आ कौम दे जरनैल का इतिहास सुनियो, बाबा बघेल सिंह का। वह कहन लगा भी मैं सुनिया तू आशीर्वाद असीस दिना, हाथ खड़ा करदा, कहिंदा नहीं जिद्दां तुहाडी इच्छा तुसी आओ, कुछ नहीं होवेगा। सरदार बघेल सिंह घोड़े हाथी के उत्ते सवार ने, सिंह नाल ने, तुरे जा रहे ने। याद रखियो, अगे अगे नकीब बोलता जा रहा है, खालसा जी आ रहे ने, खालसा जी हाजिर हो रहे ने, उच्ची उच्ची बोलता जा रहा है। जदों उत्थे पहुंचे ने, हाथी तो उतरे, घोड़े दे उत्ते सवार होए, उन्दे जदों अंदर गए, उन्दे कचहरी दे विच जां जिहड़ा उन्हें दरबार सजाया सी, ते अंदर जाके कौम दे जरनैल ने उच्ची सारी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह गजाई। बाबा बघेल सिंह की कुर्सी नाल लाई सी, बाबा बघेल सिंह ने अपनी कुर्सी चुके सामने लाई, गल्लां कीतियां शालम नाल। उन्हें जदों गल्लां सुनिया, विचार सुना, उच्ची उच्ची पुकार उठिया। वह कहन लगा, लोकी एवें कहिंदे सिख चोर ने, सिखां वर्गा तां करैक्टर किसी कौम का हो ही नहीं सकता। प्रिंसीपल सतवीर सिंह होरां ने लिखिया, अज लोड है उठ पंथ खालसा होश में आ, और नवज पहचान जमाने की, या हर कोई अपने दाव पे है, सच बात कहूं मन भाने की, होश पंथ मद होश ना हो, गैरों ने तेरा घर लूट लिया, इन लंपड़ चोर लुटेरों को, तुझे कसम है राह पे लाने की, तुझे कसम है राह
ਆਪੇ ਲਾਣੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।